नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएस टारगेट कोचिंग क्लासेस बीकापुर अयोध्या में। दोस्तों आज हम आपको वर्क एंड टाइम का अनुपात पर आधारित में प्रश्न बताने वाला हूं, जो कि परीक्षा में आपका चाहे एनटीपीसी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दीजिए और चाहे आप उसका क्या कहते हैं यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए या यूपीपी का एग्जाम दीजिए, आपको हर तरह से सीजीएल का एग्जाम दीजिए, आपको हर तरह से क्वेश्चन बहुत ही काम आने वाला है। तो इसको दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों कुछ फार्मूले जान लें। इसका फार्मूला होता है M1D1H1E1 upon W1 = M2D2H2E2 upon W1 W2। दोस्तों आज हम इसी पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो M1 का मतलब क्या होता है? M फॉर मैन, मैन या मजदूर की संख्या जब भी आ जाएगा तो हम ऊपर रख देंगे। D फॉर डे, डे मीन्स दिन होता है, और H फॉर हाउस, हाउस मीन्स समय होता है, E फॉर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मीन्स क्षमता होता है, और W फॉर वर्क, वर्क मीन्स कार्य होता है, अथवा W फॉर वेट, वेट मीन्स भार होता है। अगर इस तरह चाहे कार्य है चाहे भार आए, दोनों कंडीशन के लिए आपको क्या कर रखना है, इसको नीचे रखना है। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है आपका ए और बी की क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 2:3 / 5 के अनुपात में है। ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेता है तो बी उसे कितने समय में समाप्त करेगा? दोस्तों आपका क्वेश्चन यही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास फार्मूला है, क्षमता है, तो E1 E2 का मान दिया गया है 3:5 के अनुपात में है। ए किसी कार्य को, मान लीजिए ए का कंडीशन ये है, बी का कंडीशन ये है, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? दोस्तों मान लेते हैं D2 दिन में करेगा, तो आपका अगर यहाँ से डिवाइड कर दिया जाए तो 5 × 5 = 20, 4 × 12 बराबर आपका क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। दोस्तों बस यही आपका आंसर है, बहुत ही सिंपल तरीके से है ये क्वेश्चन। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका, यहीं पे रेशियो को हम चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 2:3 के अनुपात में आ जाए, और ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तब भी आपको क्या करना है, 2:3 के अनुपात में एफिशिएंसी ही है दोनों की, अब उसके बाद ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तो बी उसी कार्य को आप मान लीजिए D2 दिन में करेगा, तो यहाँ पर 3 × 3 = 3, 3 × 4 = 12, 4 × 8 = बराबर D2, अर्थात D2 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 8 दिन आ जाएगी। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका टाइप नंबर सेकंड पे। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दोस्तों थोड़ा देर के लिए मानिएगा कि अगर ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, दोनों में 3:5 का अनुपात कर दिया जाए, और ये कहा जाए क्वेश्चन में, जो आपके क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, इस तरह का क्वेश्चन ना करके आपको ये कह दिया जाए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:5 है, ए जो है ए बी की अपेक्षा, बी की अपेक्षा, ए बी की अपेक्षा 16 दिन का अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है, अधिक समय लेता है, तो ए बी की अपेक्षा अधिक समय लेता है तो बी इस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी इस कार्य को कितने समय में करेगा, समय में करेगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, ए जो है बी की अपेक्षा 16 दिन का अधिक समय लेता है तो बी इस कार्य को कितने समय में करेगा? दोस्तों आपका क्वेश्चन यही है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। अब क्षमताओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, यहाँ पर ए मान लीजिए, यहाँ पर बी मान लीजिए आप, अब इसको मान लीजिए टी समय में करता है तो ये कितने समय में करेगा, टी प्लस 16 दिन में करेगा। दोस्तों इसलिए चूंकि ए की अपेक्षा भी 16 दिन का अधिक समय लेता, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा
गलत हो गया, यहाँ पर ए जो है बी की अपेक्षा 16 दिन का अधिक समय लेता, तो अगर ए टी समय लेगा तो टी प्लस 16 दिन अधिक समय लेगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ से साफ कर लेते हैं तो आपका 3t बराबर 5 इंटू टी बराबर 5t, अधिक ना करके यहाँ पे कम कर दिया जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। कम समय लेता तो कम की कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम की कंडीशन पे आपका आ जाएगा टी माइनस 16 ये आ जाएगा और टी समय ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू टी बराबर 3t आ जाएगा, 3t माइनस 16 दिया 48 बराबर 5t। अगर दोस्तों हम 3t को इधर ले आते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 3t को अगर हम इधर ले आते हैं तो आपका आ जाएगा ये 3t इधर चला जाएगा, तो आपका 348 बराबर 5t माइनस 3t। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे तो चूंकि कार्य हमें माइनस में होता नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे हमने सीक्वेंस ध्यान नहीं दिया और माइनस में आ गया, फिर भी माइनस में नहीं होता है कार्य, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 48 बराबर 2t, जो कि 5 में से 3 जाएगा 2t आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे 2 × 4 = 2 × 4 = 8, तो टी बराबर आपका क्या आ जाएगा, 24। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपका क्वेश्चन आपका थोड़ा सा यहीं पे हम चेंज कर दें और ये कहें, जैसा कि क्वेश्चन अगला वाला है, अगला क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में है और दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला कितने समय में करेगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 4:5 है, दोनों मिलकर कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो ए अकेला इसे कितने समय में समाप्त करेगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन यही है, बस इसी का हमें प्रयोग करना है, दोनों की क्षमताओं का अनुपात 4:5 के अनुपात में, दोनों साथ मिलकर, दोस्तों अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों की क्षमताएं क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, अर्थात 5 + 4 दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को कितने समय में करते हैं, 40 दिन में करते हैं। दोस्तों ये तो समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है दोनों साथ मिलकर कार्य को, और मिल जाएंगे दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दोनों साथ मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं, तो बी ए अकेला इसे कितने समय करेगा, ए की क्षमता क्या है, 4 है, मान लीजिए ये D2 समय करेगा, तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 40, तो 5 × 4 = 9 × 10 बराबर आपका क्या आ जाएगा, D2, 9 × 10 = 90 बराबर आपका D2 आ जाएगा। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन अगर हो तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर थोड़ा अनुपात को हम चेंज कर देते हैं, बस और कुछ नहीं करेंगे, अनुपात को चेंज कर दिया जाए और जहाँ पर ए है वहां पर बी कर दिया जाए, अनुपात आपका क्या है, 3:5 के अनुपात में है। मान लीजिए ए और बी की क्षमताओं का जो अनुपात आ रहा है वह 3:5 के अनुपात में है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा यहाँ पर बी अकेला इसे कितने समय में करेगा। क्वेश्चन है आपका ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3:5 के अनुपात में है, दोनों मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी अकेला कितने समय में समाप्त करेगा। अब आपका क्वेश्चन यही है, तो दोस्तों पुराने क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे, दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, इस कारण से 3 + 5 ये हो जाएगा, दोनों साथ मिलकर कितने समय करते हैं,
40 दिन में करते हैं। जब मिलकर की बात करेगा दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, अब उसके बाद दोनों साथ मिलकर कार्य को 40 दिन में करते हैं। तो बी अकेला, बी की क्षमता क्या है 5 है, तो बी की क्षमता क्या है 5 है। मान लीजिए डी 2 दिन में करेगा, 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, तो 5 × 3 = 8 × 8 = d2 आ जाएगा। इस काम से यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 × 64 बराबर आपका क्या आ गया d2 आ गया। दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन और चेंज कर दिया जाए, इस तरह से कर दिया जाए कि ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात 2 : 3 / 5 के अनुपात में है, तीनों साथ मिलकर अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों साथ मिलकर कार्य को कितने समय में करते हैं, तीनों साथ मिलकर कार्य को 72 दिन में करते हैं। कितने दिन में 72 दिन में करते हैं। तो आपको क्या करना है ए प्लस सी मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन यही है, तो हमारा पुराना वाला रूल है इवन वाला कंडीशन, तो 2 + 3 + 5 यानी कि तीनों साथ मिलकर कार्य को कितने समय में करते हैं 72 दिन में करते हैं। तो ए प्लस सी ए की वैल्यू क्या है 2 है, सी की वैल्यू क्या है 5 है, तो यहाँ पर आपका 2 और 5 क्या आ जाएगा 7 × d2 आ जाएगा। ए और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय करेंगे, या यहाँ पर थोड़ा सा और इसको दिखा देते हैं 2 + 5 × d2 आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 × 2 = 5 = 10 × 72 = 5 × 7 × d2 आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 720 = 7 d2 या d2 = 720/7। दोस्तों बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जैसा हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे यहाँ पे। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से मान लीजिए आपका दे दिया जाए कि जैसे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ बोर्ड पे, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 5/4 गुना है तथा बी की क्षमता सी की क्षमता का 3/5 गुना है। तो ए और सी देखिए क्वेश्चन हम लिख देते हैं पहले, ए की क्षमता बी की क्षमता का 4/5 गुना है बी की क्षमता। उसके बाद अगला क्वेश्चन में है कि बी की क्षमता सी की क्षमता का 5/4 गुना है, बी की क्षमता का 3/5 गुना है यदि ए और सी मिलकर कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है बी और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे, कितने दिन में समाप्त करेंगे। दोस्तों आपका क्वेश्चन यही है कि ए की क्षमता बी की क्षमता का 4/5 गुना है और बी की क्षमता सी की क्षमता का 3/5 गुना है, ए और सी मिलकर कार्य को 24 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल ढंग से आपको लगाना है इसको, ए की क्षमता बी की क्षमता का 4/5 गुना है तो ए अपान बी बराबर आपका क्या आ जाएगा 4/5
और बी की क्षमता सी की क्षमता का आपका कई गुना है, 3/5 गुना है। दोस्तों इसको सॉल्व करने का कई तरीका होता है, फिर मैं बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा, 4/5 और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 3/5। यहाँ पर दोस्तों जेड बना लेते हैं, अर्थात ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर, तो 4 × 12, 4 × 3 कर देंगे 4 × 12 अनुपाते 3 × 15 आपका हो जाएगा और 5 × 25 आपका यहाँ पे 25 आ जाएगा, अर्थात तीनों की क्षमताओं का जो अनुपात आएगा 12/15/25 आ जाएगा। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन आपका क्या है, ए और सी अर्थात 12 + 25 दोनों साथ मिलकर कार्य को कितने समय करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन है आपका बी और सी मिलकर कार्य को बी की क्षमता क्या है 15 है और सी की क्षमता 25 है, दोनों मिलकर कार्य को कितने समय करेंगे, दोस्तों मान लेते हैं D2 समय करेंगे। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं, अगर कटता है तो काट देंगे, 25 में 15 अगर जोड़ दिया जाए कितना आ जाएगा 40 × D2। यहाँ पर इसको अगर जोड़ा जाए तो 5 × 2 = 7 × 2 = 3 × 24। अब कटता है तो काट देंगे, 4 × 40 = 24, 6 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, कट रहा है तो काट भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 7 = 42 और 6 × 3 = 18 × 4 = 22, यहाँ पर 222, ठीक है 222 और यहाँ पर 10 D2 आ जाएगा या D2 बराबर 222/10, कटता है तो काट देंगे अथवा अगर आपका पॉइंट में आंसर है तो 22.2 आ जाएगा, ठीक है। अगर पॉइंट में आंसर रहे तो आप पॉइंट इसको मिश्रित बिंद के रूप में चेंज कर लीजिएगा, मिश्रित बिंद के रूप में अगर इसको चेंज करते हैं तो मिश्रित बिंद आपका क्या आ जाएगा 26 सही 1/4 आएगा, 26 सही 1/2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मान लीजिए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 5/4 के अनुपात में है, ए किसी काम को समाप्त करने में 27 दिन का समय लेता है, तो ए और बी मिलकर इसके कितने समय में करेंगे। देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन ये है, इसको मिटा देते हैं, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात ए अनुपाते बी बराबर 5/4 है। अब उसके बाद ए किसी कार्य को कितने समय में करता है, ए किसी कार्य को 27 दिन में कर लेता है, तो बी उसी कार्य को कितने समय में करेगा, ए किसी कार्य को 27 दिन में कर लेता है तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं D2 दिन में करेगा। अब आपका क्वेश्चन ये है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा क्षमता कितना है 5/4 के अनुपात में, ए की क्षमता क्या है 5 है और ये कितने दिन में करता है 27 दिन में करता है, दोनों साथ अगर मिल जाते हैं तो 5 × 9 × D2 यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, दोनों साथ मिलकर करेंगे मिल जाएंगे तो 5 और 4 + हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो 9 यानी कि 9 × 9 = 27 × 3 = 15 बराबर आपका क्या आ जाएगा D2 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। मान लीजिए आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे आपको दे दिया जाए क्वेश्चन ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है, 50% अधिक है यदि बी किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो ए उसे
कितने दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा, इस तरह का अगर आपका क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, आपका क्वेश्चन यही है कि ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या है। ए और बी की क्षमताओं का अनुपात अगर ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है, और ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है आपका, तो यहाँ पर दोस्तों मान लेंगे ए और बी। अब अगर बी को 100 मान लेते हैं तो ए को क्या मानेंगे, 150, तभी तो हम कह सकते हैं कि बी की ए की क्षमता बी से 50% अधिक है। अब बी किसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेता है, 6 दिन का समय लेता है, तो ए कितने दिन का समय लेगा, मान लीजिए 2 दिन का समय लेगा। तो उसको फिर से देख लेते हैं, ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% अधिक है, इसका मतलब बी की क्षमता अगर 100 है तो ए की क्षमता क्या आ जाएगी, 150 हो जाएगी, तभी हम कह सकते हैं 50% अधिक है। अगर बी किसी काम को 6 दिन में करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा, तो यहाँ पर 6 से काट देंगे, 6 25 6 150, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 एकम 25 25 चौका 100, तो D2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 4 दिन दोस्तों, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका, ए की क्षमता बी की क्षमता से 60% अधिक है, या इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए, ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है, 50% कम है, और यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया जाए बी की क्षमता से 50% कम है, और यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह का दे दिया जाए कि किसी कार्य को, देखिए क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पर ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है, यदि बी किसी कार्य को मान लीजिए यहाँ पे 4 दिन में करता है तो ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा, क्वेश्चन आपका ये है। तो यहाँ पर ए और बी मान लेंगे, अब ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है, तो यहाँ पर ए की क्षमता अगर 100 मान लेते हैं तो बी की क्षमता 150 आ जाएगी, तभी तो हम कह सकते हैं कि ए की क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है। और यहाँ पर अगर बी किसी कार्य को 4 दिन में करता है तो यहाँ पर ए को आप D2 मान लीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या जाए, 4 एकम 4 4 25 संयम 100, और 25 एकम 25 25 छक्का 150, तो यहाँ पर D2 बराबर आपका क्या आ जाएगा, 6 दिन आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करते रहिएगा, जिससे हमको प्रमोट मिलता रहे और हम नेक्स्ट वीडियो आपको और देते रहें और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करते रहें। कई बात धन्यवाद को लेकर।